हेलो दोस्तों, ये है डब्ल्यू डी की ग्रीन और एसएसडी हार्ड डिस्क है। ये बोला जाए तो साटा एसएसडी हार्ड डिस्क। पहले के जो लैपटॉप होते थे पुराने, उनमें साटा हार्ड डिस्क आती थी, लेकिन साटा को टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया गया है। साटा के सॉकेट में ही इस हार्ड डिस्क को आप लगा सकते हैं, यानी कि जो लैपटॉप में साटा हार्ड ड्राइव लगती थी उसमें आप इस साटा एसएसडी को लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है, ये 2.5 इंच होनी चाहिए और वो आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं। 2.5 इंच और साटा एसएसडी, ये ज़रूर देख लें। उसके बाद इस हार्ड ड्राइव को आप नॉर्मल वाली हार्ड ड्राइव के साथ वाले लैपटॉप में लगा सकते हैं। हम आपको नॉर्मल वाली हार्ड डिस्क भी दिखा देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इस तरह की हार्ड ड्राइव होती है जो कि नॉर्मल लैपटॉप में लगी होती है। ये इस तरह की जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव होती है, इसके अंदर क्या होता है, एक प्लेट्स होती है जो कि घूम रही होती है सीडी की तरह, और इसके चांस ज़्यादा होते हैं ख़राब होने के, तो उसको हम कहते हैं साइड में। और अब जो एसएसडी हार्ड ड्राइव होती है, ये चिप लेवल होती है, इसके अंदर चिप होती है, तो इसके अंदर जो प्लेट सिस्टम होता है वो घूमने वाला और हेड वो नहीं होता है, तो इसका जो चांस है लायबिलिटी के वो थोड़ा बढ़ जाते हैं, और ये आप इसको लॉन्ग टाइम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज़ कर पाएंगे। इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है नॉर्मल हार्ड डिस्क की अपेक्षा। तो चलिए इसको हम अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं अंदर से कैसी होती है, ताकि आप दोनों हार्ड डिस्क को देख के कन्फिगर कर पाएंगे। तो जल्दी से इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे पैकिंग में आती है, और इसको करते हैं हम बाहर निकाल के। बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, और ये हार्ड ड्राइव, और यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट, उसको सकते हैं साइड। और ये है हार्ड ड्राइव, एक अभी यहाँ पे ये इसका ओपन करने के लिए दिया है, जो कि आप ओपन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आप पोर्ट भी आप देख पाएंगे अच्छे से, तो सेम ही पोर्ट होते हैं। और ये हार्ड ड्राइव है, और आपको पुरानी वाली हार्ड ड्राइव भी दिखा देते हैं। तो ये पुरानी वाली हार्ड ड्राइव की बराबरी होती है इसका साइज़, बट थोड़ा सा लाइट वेट होती है क्योंकि अंदर सिंपल इसमें चिप लगी हुई है। 480 GB की ये हार्ड ड्राइव है SSD, और इसको यहाँ से हम निकालेंगे तो आप देख पाएंगे, देखिए सेम जो हार्ड डिस्क होती है वही वाले पोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो रिमूव बिफोर द इंस्टॉलेशन, यहाँ पर सारी इसकी स्पेसिफिकेशन जो डिटेल होती है वो यहाँ पर दी गई है, सीरियल नंबर वगैरह। तो आज की इस अनबॉक्सिंग में यही दोस्तों, उम्मीद है आपको साटा हार्ड ड्राइव, साटा एसएसडी और साटा हार्ड ड्राइव दोनों देखने के बाद पता चल गया होगा। और यदि आप भी अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप में अपना रिप्लेस करने वाले हैं इस हार्ड डिस्क के बगैर, तो इसको यूज़ कीजिए, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है आपके लैपटॉप के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं ऐसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।